कौन सी है वो लोकेशन जहां पर अहमद खान शूट करने वाले हैं इस मूवी के मेजर एक्शन सीक्वेंस को, और अहमद खान के लिए कौन सा वो रिकॉर्ड है जिसको तोड़ना काफी मुश्किल है किसी भी डायरेक्टर के लिए। हाय एवरीवन एंड वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलग्राड स्टूडियोज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो जो बेस्ड है एक अपकमिंग एक्शन थ्रिलर मूवी यानी की हीरोपंती 2 पर। जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि हीरोपंती 2 एक अपकमिंग एक्शन थ्रिलर मूवी है और जिसका इंतजार फैंस न जाने कब से ही कर रहे हैं। तो फाइनली जाके इसके मूवी डायरेक्टर यानी कि अहमद खान ने इस मूवी की अनाउंसमेंट कर दी है। पर इस मूवी के आने से पहले ही इसके पोस्टर को लेकर काफी मीम्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और फैंस का कहना है कि जैसा कि बागी 3 का पोस्टर था वैसा का वैसा ही इस मूवी के पोस्टर में टाइगर लग रहे हैं। और इस मूवी को तो फैंस ने पूरी एक कॉपी ही बताया है, वो भी एक फेमस हॉलीवुड मूवी जॉन विक की, क्योंकि दूसरे पोस्टर में टाइगर वैसे ही खड़े हैं जैसे कि रीव्स अपनी फेमस मूवी जॉन विक में थे। पर इसको लेके मेकर्स का कुछ और ही कहना है और उनके अनुसार उस मूवी से जरूर इंस्पिरेशन ली गई है इस मूवी के लिए, बट ये मूवी की स्टोरी लाइन बिल्कुल ही अलग होगी और टाइगर हमें एक कॉन्ट्रैक्ट किलर नहीं बल्कि एक रॉ एजेंट की भूमिका में नजर आएंगे। अगर हम बात करें कि आखिर कौन सी है वो लोकेशन जहां पर अहमद खान करने वाले हैं इस मूवी के मेजर एक्शन सीक्वेंस को शूट, तो इसी को लेकर कुछ दिन पहले काफी बड़ा अपडेट आया है और वो अपडेट ये है कि रशिया में इन सीन्स की शूटिंग हो सकती है और टाइगर और कृति तो वहां के लिए निकल भी चुके हैं और पूरी कास्ट भी जल्द ही रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में इसकी शूटिंग स्टार्ट करेगी और कहा जा रहा है कि वहां पर एक काफी शानदार कार चेजिंग शूट भी होने वाला है और इसके लिए मेकर्स ने एक काफी फेमस स्टंट डिजाइनर को हायर किया है और वो डिजाइनर है मार्टिन इवानो और उन्होंने इस मूवी से पहले कुछ हॉलीवुड मूवीज में भी काम किया है जैसे कि स्काईफॉल, द बोर्न अल्टीमेटम और द बोर्न सुप्रीमसी, और ये सारी मूवीज ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी बॉक्स ऑफिस पर। इसलिए ही ये कहा जा रहा है कि उनके होने से जरूर इस मूवी को भी बड़ा फायदा मिल सकता है। तो दोस्तों आज हम आपको अहमद खान से उस रिकॉर्ड के बारे में बताने वाले हैं जिसे आज तक कोई भी डायरेक्टर तोड़ नहीं पाया, और वो रिकॉर्ड ये है कि अहमद खान पहले फिल्मोग्राफी किया करते थे और उन्होंने काफी सारी ब्लॉकबस्टर हिट मूवीज की फिल्मोग्राफी की है जैसे कि किश्त 3, फना और एक पहेली लीला, और वो पहले ऐसे फिल्मोग्राफर है जिन्होंने डायरेक्शन में आते ही 3 ब्लॉकबस्टर मूवीज दी है और वो मूवीज है बागी 2, बागी 3 और कागज, और इन मूवीज को काफी अच्छा रिस्पांस भी मिला है फैंस से। और इसी रिकॉर्ड की हम बात कर रहे थे कि कोई भी फिल्मोग्राफर टर्न डायरेक्टर आज तक लगातार 3 ब्लॉकबस्टर हिट्स नहीं दे पाया है। तो चलिए अब आप हमें बताइए कमेंट सेक्शंस में कि आप कितने एक्साइटेड हैं मार्टिन इवानो को इस मूवी के एक्शन सीन्स को डायरेक्ट करते हुए देखने के लिए। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।